जितने भी कॉलेजेस हैं सारे कॉलेजेस में CSE IIT को छोड़ के बाकी ब्रांचेस के जो सीट्स होते हैं वो खाली जा रहे हैं। इवन टॉप कॉलेजेस IITs में भी खाली हैं, बहुत सारे NITs में भी खाली हैं। अगर आप देखोगे पता कैसे लगता है, या तो बच्चे पढ़ रहे हैं या डेटा नील जाता है, उनके NIRF रैंकिंग डेटा से पता लग जाता है कितने बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्यों, बिकॉज़ मेरे को कुछ चीज़ें मिला जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। जो IITs हैं NITs हैं उनमें तो प्लेसमेंट फिर भी ठीक ठाक है कोर ब्रांचेस का, खाली प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में अच्छे हो रहे हैं, ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो आप दिमाग में डाल लो, सिर्फ CSE में ही बढ़िया प्लेसमेंट है, बाकी ब्रांचेस का इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है किसी भी कॉलेज में, पूरा ऑल ओवर इंडिया में अगर एवरेज लेके चलोगे तो। तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई नॉन CSE ब्रांच में जाइए, यहाँ पर एक कैच है। अगर आपका एडमिशन हो रहा है ऐसे कॉलेज में जहाँ पर लिमिटेड सीट्स है, मतलब वहाँ पर अनलिमिटेड बच्चे एडमिशन लेते नहीं हैं, मैं उस पर आऊँगा, जैसे मान लो IITs हो गया NITs हो गया जिसमें 60 120 इतने सीट्स हैं, तो भाई आप कंप्यूटर साइंस लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, पता नहीं कैसे अप्रूवल मिलता है तो मुझे नहीं पता, ठीक है नाम ही लूंगा नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे वो। वैसे ही उनका ऑफर मेरे पास आया था उनके कॉलेजेस का रिव्यू डालने के लिए, बहुत सारे का आया लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया, भाई माफ़ करो मेरे से नहीं होगा, बिकॉज वो स्क्रिप्ट देंगे मेरे को वही बोलना है, मैं पॉसिबल नहीं मेरे लिए, बिकॉज ये कोई भाई प्रोडक्ट तो है नहीं 10,000 रुपये का, ये आपका लाइफ का सवाल है, तो वो मुझे बनाना नहीं था इसलिए मैं नाम ले नहीं सकता वो। और तो मैंने जब देखा उनके जो थोड़ा स्टेटिस्टिक्स मेरे पास डेटा आया, मान लो किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इंडिया में है, लगभग 100 से ज़्यादा होंगे ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पर अनलिमिटेड बच्चे एडमिशन लिए जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। मतलब अगर फोर्थ ईयर में जो डेटा मेरे पास आया एक कॉलेज का, इसके पास 4,000 बच्चे हैं CSE में, CSE IIT में, मैकेनिकल में सिर्फ 100 या 200 बच्चे हैं। अब देखो 4,000 बच्चे हैं, बोलो सर प्लेसमेंट कंपनी से है, कंपनी ज़्यादा आ रहा है भाई, लेकिन आपको बता रहा हूँ ठीक ठाक प्लेसमेंट हो रहा है सिर्फ 200-300-400 बच्चों का, 10% बच्चों का, 90% बच्चे क्या करेंगे, ये मेरा कंसर्न है। 200 बच्चे हैं जहाँ पर 4,000 कंप्यूटर साइंस का है, वहाँ पर मैकेनिकल का 200, सिविल का और कम है भाई, इसी का ठीक ठाक है। तो उनके लिए ऑप्शन अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, बट आगे जाके आफ्टर 4 ईयर्स उनका ऑप्शन चेंज होगा, अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए इंक्रीज होंगे, बिकॉज जो डिमांड है चाहे नॉन गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो वो तो लगभग सेम ही रहेगा इन ब्रांचेज में, मैकेनिकल सिविल में, लेकिन अगर बात करें कंप्यूटर साइंस का वो डिमांड है वो घटेगा बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0 के वजह से डिमांड हर जगह पर घटेगा, बट मैकेनिकल कोर ब्रांचेज में डिमांड थोड़ा लगभग स्टेबल रहेगा। बिकॉज रीज़न क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिमांड भी बढ़ रहे हैं, और मैकेनिकल का सिविल का इंडस्ट्रीज अलग अलग दायरे में है। सिविल मतलब सिर्फ घर बनाना नहीं होता है, एनवायरनमेंट भी होता है, मैकेनिकल मतलब सिर्फ मशीन ऑटोमोबाइल नहीं है, थर्मल भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, तो फील्ड में एडजस्ट हो जाएंगे, बट अभी नहीं, अभी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 4-5 साल बाद की बात है, कंडीशन चेंज होगा। तो अगर आपका एडमिशन मिल रहा किसी अच्छे कॉलेज में जहाँ पर लिमिटेड सीट्स है, 100-200 बच्चे एडमिशन लेते हैं एक ब्रांच में, दैट्स ओके, यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आपका एडमिशन ऐसी ऐसी जगह पर हो रहा है जहाँ पर 4,000 बच्चे हैं एक साल में CSE में, तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम है। देखो जो बताया 10% बच्चों का प्लेसमेंट अच्छा होता है, बोलते हैं प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ का है, US में मिल गया 1-2 बच्चों का, आप वो देख के चले जाते हो, फीस भी अफोर्डेबल होता है, वो ट्रैप होता है एक तरह का, इसको मैं बोलता हूँ लीगल स्कैम, मतलब लीगली कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका, समझ रहे हो, लीगली कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका, वो पैसे ले लेंगे आपसे। 4 साल आप क्या करेंगे आपको बताया तो आप 2 काम करेंगे, 4 साल आपका निकल जाएगा, बिकॉज वहाँ पर पास ना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होगा आपके लिए, मौज हो जाएगा 4 साल आपका, लेकिन उसके बाद जिंदगी का सफ़र शुरू होगा, इंग्लिश वाला सफ़र। क्या करेंगे आप, या तो आप प्रिपरेशन करेंगे नॉन टेक्निकल का, टेक्निकल में कुछ खास बचा नहीं ना पहले था, ठीक है पहले थोड़ा बहुत था लेकिन अब तो बहुत मुश्किल है, कंपटीशन और हाई हो गया, लेकिन अब ये घटेगा, कोर ब्रांचेस घट जाएगा 3-4 साल में, अब ये घट गया इस साल गेट का और घटेगा 4 साल में, इसको बहुत आप देखेंगे बहुत लेवल लो हो जाएगा, मतलब कंपटीशन बहुत कम जाएगा, बच्चे ही नहीं है यार। अच्छा
आप नॉन टेक में जाएंगे, नॉन टेक में ऑलरेडी भीड़ पड़ा हुआ है, नॉन टेक के बच्चे इतने सारे हैं, करोड़ों बच्चे हैं। आप क्या करेंगे, आप कोडिंग का क्लासेस लेंगे ऑनलाइन, तो कोडिंग क्लासेस ऑनलाइन लेना ठीक बात है, आप ले सकते हैं, उसमें प्लेसमेंट आपका बन सकता है। लेकिन वंस अगेन सारे बच्चे वही कोडिंग क्लास लेने जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा जब एक टाइम के बाद, और वो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, दो साल, एक दो साल बाद शुरू हो जाएगा, बिकॉज अभी डिमांड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बचता है आपके पास भाई, कॉल सेंटर नौकरी करो या फिर सेल्फ बिजनेस करो, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, ये कर सकते हो। तो अगर यही करना था तो भाई क्यों पैसा खर्चा करना उस कॉलेज में जाके? आपके दिमाग में आएगा सर मैं तो पैसा दे चुका हूँ, एडमिशन ले चुका हूँ, तो भाई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी से आप कोडिंग करना शुरू कर दीजिए। एक लेवल होता है, अपना लेवल उस लेवल पे ले जाओगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली उस लेवल को टच नहीं कर पाते, ना कर पाएंगे, बिकॉज सबको ही टैलेंटेड नहीं होता है यार, सब मेरे जैसे ही होते हैं, एवरेज लोग, बिलो एवरेज, मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं मेरे जैसे, ठीक है। तो टैलेंटेड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बिलो एवरेज है वो गया है एक सपना लेके, भाई मैं अच्छा पैसे कमाऊंगा, एक करोड़ सैलरी देख के गया, उसके लिए भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एंड मैं इस बात को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से देखता हूँ, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, बिकॉज मेरा काम है आपको कोई प्रॉब्लम आने से पहले आपको एक तरह का बोल सकते हो इंफॉर्मेशन दे देना कि भाई ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो कृपया करके अपने आप को संभाल लो, इस प्रॉब्लम के चक्कर में मत पड़ो। मतलब मैं ताजुब रह गया, एक कॉलेज में पूछा, मेरे पास ही है, आसपास ही है, तो उसमें नाम नहीं बताऊंगा, उसमें सीएससी में बच्चे हैं भाई 3,000, मैकेनिकल में, सिविल में कितने हैं 50, इलेक्ट्रिकल में 20-30 हैं शायद, सोच पा रहे हो क्या हो रहा है? तो यार इसका इम्पैक्ट अभी नहीं दिखेगा, एक साल में, 4-5 साल में दिख जाएगा। जहाँ पर आप देखते होंगे मैकेनिकल के 2.5 लाख बच्चे देते थे गेट के एग्ज़ाम, इस बार सिर्फ 1 लाख बच्चे दिए हैं, ओनली 1 लाख, इसी में तो और कम हो गए। इसका मतलब क्या है, बच्चे कम पास आउट हो रहे हैं, इसका मतलब एक ही यही है, मैक्सिमम चांस यही है। इसका मतलब ये नहीं गेट एग्ज़ाम लोग फॉर्म नहीं भर रहे, भाई सारे फॉर्म भरते हैं, बच्चे हैं ही नहीं, पास आउट कम बच्चे हो रहे हैं। तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा 4 साल बाद, अब से ये आ गया, लेकिन ये 4 साल बाद इसका, 3-4 साल बाद इम्पैक्ट दिखेगा। भाई कंपनीज को मैकेनिकल इंजीनियर तो चाहिए, लेकिन नहीं मैकेनिकल फ्रेश चाहिए ना भाई, ऐसे पुराना बुढ़ा को सुना रखेगा कोई भी, जो इन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लोग रख लेते हैं, इन एक्सपीरियंस जो है फ्रेशर है वो देखते हैं, फ्रेशर फ्रेश माइंड हो तो रखने की कोशिश करते हैं। रही बात जो मेरे को फैक्ट आपको बता चुका हूँ, आई होप आपको पता लग गया क्या करना है आपको। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।